सब्सक्राइब करें कुसुम रसोई और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि मेरी नई रेसिपी आपको मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मैं कुसुम, स्वागत है आपका कुसुम रसोई में और आज हम बनाएंगे शाही पनीर। शाही पनीर बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो ये है, 2 प्याज जिसे कि मैंने रफली चॉप कर लिया है, 4 टमाटर जिसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। हम जितना प्याज लेंगे उसका डबल टमाटर लेंगे। 200 ग्राम पनीर, ये घर का बना हुआ पनीर है। पनीर बनाने के वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये 10-12 काजू, 2 हरी मिर्च जिसे कि मैंने इस तरह से कट करके और इसका बीज निकाल लिया है, और बटर, इसके बदले आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 5-6 कलियाँ लहसुन की, 1 चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ और 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच कसूरी मेथी पाउडर, इसे मैंने हल्का रोस्ट करके और इसका अच्छे से पाउडर बना लिया है, 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम, इसके बदले आप घर का मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, और ये है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये स्पाइसलेस होता है, बिल्कुल तीखा नहीं होता और इसे कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं, और स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच हनी, इसके बदले आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, और 2 हरी मिर्च और 1 तेज़पत्ता, 2 हरी इलायची, 1 मोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 लौंग, थोड़ी सी जावित्री। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं शाही पनीर। एक पैन में टमाटर डालेंगे, प्याज डालेंगे, काजू डाल देंगे, लहसुन की कलियां, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अदरक, और सभी खड़े मसालों को, हरी मिर्च और खड़े मसालों को डाल देंगे। जावित्री को नहीं डालना है, इसे हम लास्ट में डालेंगे, और हम डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच बटर और स्वाद के अनुसार नमक। हम डालेंगे 1 कप पानी, मीडियम फ्लेम पे हम इसे कवर करके 15 से 20 मिनट पकाएंगे। इतनी देर में हमारा टमाटर और प्याज जो है वो अच्छी तरह से पक जाएगा। पंद्रह मिनट हो गया है, देखिए हमारा टमाटर जो है बिल्कुल गल गया है और प्याज भी पक गया है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा करके और इसका मिक्सी जार में फाइन पेस्ट बना लेंगे। हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है, अब हम उसमें बटर डालेंगे। हम गैस को स्लो कर देंगे और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और हरी मिर्च को डालेंगे। हमें इसे धीमी आंच पर ही पकाना है। हमें इसे ब्राउन होने तक पकाना है। देखिए हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ब्राउन हो गया। हमने जो मसाला पीस कर तैयार किया था उसे हम छन्नी से छान लेंगे ताकि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ और क्रीमी बने। मिक्सी जार में थोड़ा पानी डालकर इसे भी हम छान लेंगे। देख
हमारा छन गया। मीडियम फ्लेम पर इसे हम 5 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। 5 मिनट हो गया है, अब हम इसमें अपना पनीर डालेंगे। देखिए हमारा जो ग्रेवी है कितना स्मूथ और सिल्की नजर आ रहा है। कसूरी मेथी डालेंगे, हनी डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में हमने जो जावित्री रखा था वो डालेंगे। और इसे हम 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। अब हम इसमें क्रीम डालेंगे। क्रीम आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज्यादा डालें और इसे मिक्स करें। हमारा शाही पनीर तैयार हो गया और अब हम इसे सर्व करेंगे।